पटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और आप जानते हैं कि तीसरी लहर के पीक का डिक्लाइन भी कहा जाने लगा है। ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है, उसको लेकर भी एक्सपर्ट्स ने कई तरह के बयान दिए। काफ़ी लोगों का मानना था कि ये जो वेरिएंट है काफ़ी माइल्ड है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो कफ कोल्ड फीवर ही है, लेकिन ये भी कहा गया ये उतना सीवियर नहीं है। बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें तो आपको कुछ डेटा हम दिखाने वाले हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि तीसरी लहर भी, हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं कि देश में तीसरी लहर है और दिल्ली में पांचवी लहर है। इस तीसरी लहर और पांचवी लहर का जो डेटा दिल्ली का हम आपको दिखाने वाले हैं, उसमें आपको ये पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर कितने गंभीर हालात हुए, क्योंकि मौत का आंकड़ा जो सामने आया है जनवरी महीने का, वो ये दिखाता है कि दिल्ली इस बार भी कोरोना के कहर से जूझती हुई नजर आई है। दिल्ली के लिए तीसरी लहर भी रही खतरनाक। दिल्ली में जनवरी बना जानलेवा। कोरोना से दिल्ली में हुई 758 मौत। दूसरी लहर से लेकर अब तक एक महीने में कोरोना से मौत का तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा जनवरी 2022 में आया। जनवरी 2022 बीत चुका है, लेकिन आपको बताया हमने कि इस महीने में 758 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ये कह चुके हैं कि ये जो डेटा है, इस डेटा में सिर्फ कोविड से जिन मरीजों की मौत हुई है वही नहीं है, बल्कि इसमें कॉर्मोबिटीज यानी कि कोरोना के अलावा जिन मरीजों को गंभीर बीमारियां थी उनकी जो मृत्यु हुई है वो आंकड़ा भी इसमें शामिल है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसा आंकड़ा दिखा रहे हैं जो ये बताएगा कि दिल्ली में कब कब कोरोना ने कहर मचाया। जनवरी 2022 में दिल्ली में कोरोना से हुई 758 लोगों की मौत। दिसंबर 2021 में 9 लोगों की जान गई थी कोरोना की वजह से। नवंबर 2021 में 7 लोगों की जान कोरोना ने ली थी, जबकि अक्टूबर 2021 में 4 लोगों की जान कोविड की वजह से गई है। सितंबर 2021 में 5 लोगों की जान कोविड की वजह से गई, वहीं अगस्त 2021 में 29 लोगों की जान कोरोना ने ली थी। जुलाई 2021 में 76 लोगों की जान चली गई थी कोरोना की वजह से, वहीं जून 2021 में 740 लोगों की जान ले ली थी कोरोना ने। लेकिन मई का महीना सबसे घातक महीना साबित हुआ था दिल्ली के लिए कोविड के लिहाज से, 8090 लोगों की जान कोविड ने ली थी। और वहीं अप्रैल 2021 यानी कि वो महीना जब दूसरी लहर कोविड की दिल्ली में आ चुकी थी, उस वक्त 5120 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई थी। तो ये वो आंकड़े थे जब दिल्ली के अंदर कोरोना ने तबाही मचाई थी। इन आंकड़ों में एक चीज आपने गौर की होगी, मई का महीना डेडलीएस्ट मंथ बना जिसमें सबसे ज्यादा जान गई, 8000 से ज्यादा लोगों की जान कोविड की वजह से गई थी। उससे पहले अप्रैल के महीने में भी 5000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, और अब जनवरी 2022 में 758 लोगों की जान कोविड ने ली। इसलिए आप सभी से बार बार दिल्ली तक की टीम यही अपील करती है कि आप अपना खास ख्याल रखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसे अमल में लेकर आइए। दिल्ली NCR की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।